राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे हरियाशना बिल्डर्स पे। तो दोस्तों, हरियाशना बिल्डर्स आज आपके लिए लेके आया है 2 BHK फ्लैट विद पार्किंग, जो कि 70 गज में बनके तैयार हुआ है। अगर इसके मैं प्राइम लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो द्वारका मोड़ रहने वाली है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से केवल दोस्तों 300 मीटर की दूरी में है। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मार्केट फैसिलिटी मिलने वाली है, ATM फैसिलिटी मिलने वाली है, बैंक फैसिलिटी मिलने वाली है, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी आपको बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस में मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी हुए मैं आपको इस फ्लैट का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम अपने फ्लैट में आ चुके हैं दोस्तों। तो एंट्रेंस में ही आते हैं आपको यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है। आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिस रहने वाला है। आप आराम से यहाँ पे 7 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में अगर आप पीछे देखेंगे आपके यहाँ पे ड्राइंग रूम में जो वॉलपेपर लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक यहाँ पे रहने वाला है। कस्टमाइज वॉलपेपर का हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है दोस्तों। और साथ में ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर आपको स्प्लिट AC कनेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ड्राइंग रूम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ की, तो हमारा वो 4 सीलिंग रहने वाला है दोस्तों। 4 सीलिंग में भी आपने क्लासिक और डिसेंट वॉक यहाँ पे करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको कॉप लाइट्स भी हमने यहाँ पे दे रखी हैं आपको दोस्तों। हम फैन आपको 4 सीलिंग में लगा के देंगे। तो दोस्तों, ड्राइंग रूम में साथ में ही सामने आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है। टीवी पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे स्पेस रहने वाली है यहाँ पे टीवी पैनल के लिए। और साथ में आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पर अपना शोपीस या कुछ भी रख सकते हैं। नीचे आप आराम से आप कोई भी चीज़ सामान प्लेस कर सकते हैं। स्टोरेज की आपको कोई कमी नहीं रहेगी आपके टीवी पैनल में। तो दोस्तों, अगर मैं बात, जैसे कि आपने देखा अभी अपना ड्राइंग रूम जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिस रहने वाला है, साथ में अटैच आपको यहाँ पे बाथरूम भी मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर बाथरूम मिलता है आपके ड्राइंग रूम के अंदर। तो जैसे कि आपने अपना ड्राइंग रूम देखा और साथ में अटैच बाथरूम देखा, अब मैं आपको लेके चलूंगा आपके किचन की तरफ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं अभी हम अपने किचन के अंदर आ गए हैं। सिंपल किचन नहीं है दोस्तों, हमारे मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेनाइट का, व्हाइट ग्रेनाइट का यूज किया गया है हमारे। और साथ में ही अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ टाइल वर्क हो रखा है ताकि आपकी दीवारें बिल्कुल गंदी ना हो दोस्तों। अगर मैं किचन के अंदर स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज रहने वाली है आपको दोस्तों। अब स्टोरेज और साथ में ही यहाँ पर आराम से यहाँ पे चिमनी के लिए भी दोस्तों हमने आपको स्पेस दे रखा है। चिमनी भी यहाँ पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। स्टोरेज भी प्रॉपर रहने वाली है आपके यहाँ पे किचन में। और साथ में ही आपको नीचे सॉकेट भी मिल जाता है, आप आराम से अपना मिक्सी या ग्राइंडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप नीचे देखिए यहाँ पे भी स्टोरेज आपको प्रॉपर रहेंगी यहाँ पे यूटेंसिल्स के लिए, आपके डिशेस के लिए। और साथ में ही दोस्तों ये यहाँ पे हमारा सिंक रहने वाला है। सिंक यहाँ पे आप दोस्तों हम दे रहे हैं आपको। और प्लस यहाँ पे आपको RO के लिए भी स्टोरेज रहेगा। अगर आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो स्पॉट लाइट हमने अपने किचन के अंदर यूज़ की गई है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने वाला है आपके किचन को, पूरा प्रॉपर मॉड्यूलर लुक देने वाला है। तो दोस्तों, अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ आपके किचन में, तो वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे स्पेस दी गई है। वेंटिलेशन की भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी आपके किचन के अंदर। इसी तरह जैसे आपने देखा अपना किचन, मैं आपको लेके चलूँगा आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम होने वाला है। अगर मैं आपको गौर करेंगे यहाँ पे, तो डोर पे जो हाइड्रोलिक्स लॉक का हमने यूज़ किया गया है, बहुत ही क्वालिटी वाला हाइड्रोलिक्स लॉक रहने वाला है हमारे दोस्तों। तो जैसे कि मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा आपका स्पेसिस रहने वाला है, आप देख सकते हैं। जैसे कि प्लस मेरे पीछे ही यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर का वर्क हो रखा है, और ऊपर ही आपको स्प्लिट AC का कनेक्शन भी हम यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको स्प्लिट AC लगाने के लिए कोई दिक्कत ना रहे। प्लस वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। यहाँ पे हमने प्रॉपर विंडो प्रोवाइड करके रखी है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, और अगेन मैं खूबसूरत बात करूँ, तो हमारे ड्राॅइंग रूम का जो 4 सीलिंग रहने वाला है, इधर भी दोस्तों हमने प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रखा है, क्लासिक वर्क करके रखा है यहाँ पे। तो सीलिंग भी हमारा बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो रखा है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे कि आपने अपना देखा अभी फर्स्ट बेडरूम, तो मैं आपको लेके चलूंगा आपके मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि बालकनी से अटैच रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ आ चुके हैं। आप अगेन यहाँ पे देखिए मास्टर बेडरूम की डोर में भी हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक्स लॉक का यूज किया गया है क्वालिटी में। और प्लस अगर देख सकते हैं ये मास्टर बेडरूम हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेसेस रहने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पेसेस, आप आराम से यहाँ पे किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद भी आपको वॉकिंग जो स्पेस है वो प्रॉपर मिलेगी दोस्तों। और प्लस मेरे पीछे ही देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पे जो वॉलपेपर का वर्क हो रखा है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहने वाला है ये वॉलपेपर हमारा, कस्टमाइज 3D वर्क जो रहने वाला है। प्लस यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ आपको यहाँ पे कवर्ड मिल रही है दोस्तों, जो हमारी ये वॉल टू वॉल कवर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहने वाली, आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज रहेगी। ऊपर भी दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलेगी यहाँ पे प्रॉपर। प्लस नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्पेस जो रहने वाला है, आप आराम से अपना लैंप रख सकते हैं या फिर फोन चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। नीचे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉर का जो वर्क रहने वाला है, जो कि साइड आपका ड्रॉर रहने वाला है, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया मास्टर बेडरूम में आपको सामने ही यहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है दोस्तों। टीवी पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन वर्क रहने वाला है हमारा टीवी पैनल का। प्रॉपर यहाँ पे भी आपको ड्रॉर यहाँ पे दिए जाएंगे, नीचे यहाँ पे दो ड्रॉर यहाँ पे आपको दिए गए हैं दोस्तों। प्लस ऊपर आप अपना शो पीस या कुछ भी सामान ऐसे रख सकते हो। तो दोस्तों हम अगर मैं मास्टर बेडरूम की में भी खूबसूरत की चीज की बात करूँ, वो हमारी फोर सीलिंग रहने वाली है। फोर सीलिंग में भी दोस्तों यहाँ पे हमने यूनिकली डिजाइन किया गया है प्रॉपर कॉप लाइटिंग के साथ। यहाँ पे हमने ऑरेंज मतलब कॉप लाइट जो यूज की गई है। प्लस मैं वेंटिलेशन की बात करूँ आपके मास्टर बेडरूम में, तो वेंटिलेशन की भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको विंडो दे रखी है जो कि बालकनी से पीछे अटैच है। प्लस ऊपर स्प्लिट आपको विंडो एसी के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दी गई है। तो दोस्तों साथ में ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका बाथरूम जो कि मास्टर बेडरूम से अटैच रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका जो बाथरूम रहने वाला है प्रॉपर टाइल वर्क रहने वाला है, वॉल टू वॉल टाइल वर्क रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप्स शावर हम सब सैनिटाइजन वर्क जो है प्रॉपर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों जो मास्टर बेडरूम है आपको बालकनी से अटैच रहने वाला है, तो मैं आपको आपका बालकनी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम अपने बालकनी में आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बालकनी आपका मास्टर बेडरूम से अटैच रहने वाला है। आप देख सकते हैं बालकनी भी जो रहने वाला आपका स्पेसेस रहने वाला है। यहाँ पे स्टील का वर्क हमने यूज करके रखा है। आपको बालकनी में हम लोग टैप भी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं, आप आराम से अपने कपड़े भी धो सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। वॉश मशीन के लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर जो रहेगा सॉकेट यहाँ पे रहेगा, आप आराम से वॉश मशीन भी अपने बालकनी में रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने अपना देखा 2BHK फ्लैट जो कि प्राइम लोकेशन द्वारका मोड़ में रहने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जो आपका ये मेट्रो स्टेशन से केवल 300 मीटर की दूरी में रहने वाला है आपका ये फ्लैट। दोस्तों अगर अब इसकी मैं जो प्राइसिंग की बात करूं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है विद 90% बैंक लोन अप्रूव के साथ दोस्तों। हाँ बिल्कुल 90% लोन बैंक अप्रूव के साथ LIC अप्रूव्ड हमारी बिल्डिंग रहने वाली है दोस्तों, और बहुत ही कम लिमिटेड स्टॉक है दोस्तों हमारे पास। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों को कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा ये फ्लैट आपको कैसा लगा। और इसी तरह मैं मिलूंगा आपको एक नए फ्लैट के साथ। राधे राधे।